इंस्टॉल करते हैं, तो उससे पहले आपको आपके कंप्यूटर के अंदर एक डोमेन कंट्रोल होना चाहिए, एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए, ओके, डीएसपी शुड बी कॉन्फिगर एंड एनटीएसएस पार्टीशन, ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्वर मैनेजर पे जाएंगे। सर्वर मैनेजर पे जाके आप यहाँ पे मैनेज को एक्सपांड करोगे, ओके। नाउ क्लिक ऑन द मैनेज टैब और ऐड रूल करेंगे। नेक्स्ट हमको रूल बेस इंस्टॉल करना है फीचर्स, तो यस। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर का नाम और आईपी एड्रेस आएगा। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस WSUS। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग सर्विस भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये सब सर्विस है जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगी। इसके बाद नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट फीचर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। नेक्स्ट नाउ WSUS सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल होगा, जो क्या काम करता है, तो वो अपडेट को इंस्टॉल करता है, डाउनलोड करता है अपडेट को, और अपने एंटायर नेटवर्क के अंदर WSUS सर्वर के द्वारा ये सभी एंटायर नेटवर्क के अंदर अपडेट को सेंड करता है, ओके। ताकि आपको डेडिकेटेड सर्वर को अपडेट या डेडिकेटेड क्लाइंट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट इसके कुछ रोल इंस्टॉल हो जाएंगे, जैसे कि WID कनेक्टिविटी एंड WSUS सर्विस, ये बाय डिफॉल्ट सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। नाउ यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा, जैसे कि सी ड्राइव के अंदर मैंने कोई WSUS फोल्डर बना हुआ है, तो ये WSUS फोल्डर जो है, ओके, ये मैंने पाथ दिया है ताकि जो भी अपडेट्स आए ये अपडेट यहाँ पे स्टोर हो जाए। नेक्स्ट नाउ डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन IIIS सर, मतलब जब भी आप ये WSUS कॉन्फ़िगर करोगे तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट IIIS सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, और उसके साथ डिफॉल्ट HTTP सर्विस भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन दैट वेब सर्विसेज दैट इंक्लूड इंस्टॉलेशन एंड रूल सर्विसेज दैट इनेबल, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, डैश टू स्टैटिक कॉन्टैक्ट मेक द माइनर कस्टमाइजेशन सच एज डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट एंड HTTP एरर, ओके। मतलब कुछ HTTP के रिगार्डिंग कुछ एरर आता है, क्योंकि आप डाउनलोड करोगे तो कुछ एरर आता है, तो उसको HTTP के द्वारा उसको हैंडल कर सकते हैं। इस टाइम यहाँ पे IIIS सर्विस एंड HTTP सर्विस इंस्टॉल करेंगे। नाउ ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, तो कॉमन HTTP सर्विस इंस्टॉल हो रही है कॉमन, ओके। तो जो रिगार्डिंग जो सर्विस है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, तो उसको एज इट रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नाउ रिस्टार्ट द PC, ओके, व्हेन द इंस्टॉलेशन इज कम्प्लीट एंड इंस्टॉल नाउ। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से एक WSUS सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।